अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फरहान आमिर और आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ कंटिन्यू करेंगे जो बूटस्ट्रैप का ही मॉड्यूल है। एक बूटस्ट्रैप का एक पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे टाइपोग्राफी के टाइपोग्राफी है क्या चीज़, टाइपोग्राफी की क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती है बूटस्ट्रैप में और हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन हमने देखी थी बूटस्ट्रैप की वो किस तरीके से होती है उसको देखा था और साथ हमने ग्रिड सिस्टम देखा था कि ग्रिड सिस्टम क्या है, ग्रिड सिस्टम किस तरीके से काम करता है और उसमें कॉलम साइज, कॉलम के साइज के बाद कॉलम वो स्क्रीन साइज क्या होता है, हमें मैक्सिमम कितनी स्पेस प्रोवाइड की जाती है ग्रिड के लिए और किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, इन सारों के बारे में देखा था। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइपोग्राफी के लिए। टाइपोग्राफी क्या है बेसिकली, आपको जिस तरह हम एचटीएमएल टैग्स में पढ़ा था कि कुछ टाइपोग्राफी टैग्स होते हैं जिसमें H1 से लेके H6 P वगैरह इस तरह के कुछ टैग्स पढ़े थे, इसी तरीके से कुछ बिल्ट इन क्लासेस, बिल्ट इन चीज़ें हमें मिलती हैं टाइपोग्राफी के लिए, वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं हम उसके बारे में देखेंगे और उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बूटस्ट्रैप बेसिकली अब क्या करता है, टाइपोग्राफी को कंटिन्यू करने लगे तो एक चीज़ देखते हैं कि बूटस्ट्रैप हमें ना बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज देता है वो 16px का देता है, 16px का साइज देता है जिसमें वो प्रोवाइड करता है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग्स भी देता है, H1, H2, H6 जिसमें वो डिफरेंट फॉन्ट साइज होते हैं फॉन्ट वेट के साथ, सेम सिनेरियो वही जिस तरह हमने HTML में देखा था, मगर यहाँ पर ना थोड़ा सा हम इसको बिल्ट इन क्लासेस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने H1 या H2 अप टू H6 जितनी भी क्लासेस थी उसके लिए हमें टैग लगाना पड़ता था। अगर मैं चाह रहा हूँ यार मैं टैग ना लगाऊं मगर फिर भी मैं H1 की चीज़ें इंप्लीमेंट कर लूँ, कोई मुझे एक CSS ना लिखनी पड़े, तो इनके लिए भी हमें प्रॉपर जो है बूटस्ट्रैप कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है जिनको यूज़ करते हुए हम अपना जो है ये काम कर सकते हैं। आज हम उन क्लासेस के बारे में ही पढ़ेंगे कि वो क्लासेस क्या हैं, किस तरीके से यूज़ होती हैं और उनको किस तरीके से हम अपने कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, हम उसकी तरफ ही चलते हैं। मैं लास्ट जो हमने जो ग्रिड किया था मैं उसी कोड को ज़रा अभी रिमूव करता हूँ और उसके आगे चलते हैं। ये मेरी CSS थी, ये सारा मैं CSS को ख़त्म करता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी ये यहाँ से जितनी भी मेरी क्लासेस हैं ना मैं इन क्लासेस को कॉल वगैरह की जो क्लासेस हमने डिफाइन की थी इनको ख़त्म कर देते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 6 अप टू 6 तक लेके चलते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव और ये रही 6। ये 6 मैंने इसलिए लिखा है जिस तरह H1, H2, H3 अप टू H6 थी ना उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि हम इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब आप कोड देख रहे हैं हर एक को मैंने डिफरेंट डिव बना दिया H1, H2 और H6 से है ना, तो इसके लिए हम एक क्लास बूटस्ट्रैप हम प्रोवाइड करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले क्लास बेसिकली सिमिलर है H1 के, H1, H2, H3 जिस तरह हेडिंग्स उधर हेडिंग वर्ड यूज़ होता है इधर डिस्प्ले होता है। हेडिंग की अगर टाइप आती हैं H1, H2, H3, H4, H5 और H6। सिमिलरली यहाँ पे भी H1 टू H6 की तरह डिस्प्ले की टाइप्स है, जैसे डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4, डिस्प्ले 5, डिस्प्ले 6 किया जाता है। बस फर्क इधर क्या है कि वहाँ पे हमें टैग लगा के डाटा देना पड़ता है, यहाँ पे हमें टैग लगा के डाटा नहीं देना पड़ता। हम किसी भी डिव के अंदर, स्पैन के अंदर, पी टैग के अंदर, सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर भी हमारा दिल चाहे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं और उस टैग को हम वो क्लास दे देंगे तो वो एक्ट एज H1, H2, H3, H4 या H5, 6 की तरह वो एक्ट करेगा क्योंकि उसको वो क्लास बिल्ट इन क्लास मिल गया जो H1, H2 या H6 की क्लासेस थी। उसको हम देखते हैं, सिंपल मैं यहां पे लिख देता हूं हेडिंग डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4, डिस्प्ले 6, इस तरीके से ही हम आगे भी चलेंगे। अभी सिर्फ मैं 2 पे लगाया और चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, अब देख रहे हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग, इसको मैं कर देता हूं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूं जरा टेक्स्ट को, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देख रहे हैं
जिस तरह हेडिंग वन हेडिंग टू के अपने H1 H2 के अपने कुछ स्टाइल थे, मगर आप देखें जब हम HTML कर रहे थे तो हेडिंग वन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज साइज में थी कि जितना साइज रिक्वायर भी नहीं था मगर उससे ज्यादा था जो डिफॉल्ट था। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, आपको वही फीचर्स प्रोवाइड करता है मगर एक एडजस्टेबल हाइट पे एडजस्टेबल साइज पे देता है कि जो कि इतना बुरा भी नहीं लगता। अब इधर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक यहाँ पे H1B लिखता हूँ, सेम उसी तरीके से डिस्प्ले वन की क्लासेस हटा दूंगा और यहां पर सिंपल मैं लिखूंगा H1। अब देख रहे हैं यहां पे H1 का साइज डिफरेंट है, हेडिंग वन का साइज डिफरेंट है। मैं थोड़ा सा और बेटर कर देता हूं चीजों को ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें सही समझ। हेडिंग वन का साइज और हेडिंग जो H1 का साइज है H1 टैग का और जो दूसरा डिस्प्ले वन है उन दोनों के स्टाइल में थोड़ा डिफरेंट है और अच्छा खासा डिफरेंट है, जो कि पता चल रहा है और अच्छा स्मूथ पता चल रहा है कि किस में क्या फ़र्क है, किस तरीके से फ़र्क है। ये बेसिकली फ़र्क है कि बूटस्ट्रैप कुछ अपनी बिल्ट इन क्लासेस जो उसने बनाई है उसने अपने अकॉर्डिंग कुछ CSS लगाई हुई है, कुछ अपने अकॉर्डिंग स्टाइलिंग की हुई है, डेकोरेशन की हुई है। जो बाय डिफॉल्ट डेकोरेशन थी HTML की, जो बाय डिफॉल्ट डेकोरेशन टैग्स पे थी, उससे हट के उसने चीज़ को बेटर करने के लिए जो इतना बुरा भी ना लगे उसके अकॉर्डिंग उसने मैच किया हुआ है। वही सिनेरियो आ गया मेरा हेडिंग H1 H2 आ गया। उसके बाद मैं चलता हूँ डिस्प्ले वन के बाद मैं चलता हूँ डिस्प्ले टू डिस्प्ले थ्री डिस्प्ले फोर डिस्प्ले फाइव सिक्स सारों पर मैं लगाता हूँ वो डिस्प्ले थ्री। डिस्प्ले फोर डिस्प्ले फाइव और डिस्प्ले सिक्स। ये डिस्प्ले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स का मेन पर्पस क्या है कि ये मेरे H1, H2, H3, H4, H5 और H6 की तरह एक्ट करेंगे। इनके अलावा अगर कोई जो H1 पे CSS बाय डिफॉल्ट जो लगती है वो ना लगे, ना मेरा H1 का टैग यूज हो, जो मेरी अपनी CSS है डिस्प्ले वन में जो कि बूटस्ट्रैप की तरफ से प्रोवाइड है जो एक्ट एज अ H1 करता है वो इस पे इंप्लीमेंट हो जाए। अब इसको देखते हैं किस तरीके से फर्क आया है। ये देखिए हेडिंग वन हेडिंग टू हेडिंग थ्री हेडिंग फोर हेडिंग फाइव हेडिंग सिक्स सेम सिनेरियो जब H1 H2 H3 या H6 करते थे हर एक ग्रेजुअली फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट में कम होता जा रहा था। वही मेथड यहाँ पे हुआ है डिस्प्ले वन डिस्प्ले टू डिस्प्ले थ्री डिस्प्ले फोर और डिस्प्ले फाइव सिक्स में कि उसने क्या कि ग्रेजुअली अपने उसके अकॉर्डिंग साइज को कम करता गया और उसी तरीके से एडजस्ट किया उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे H1 और H2 H6 सारे बिहेव करते हैं, मगर हमें H1 H2 H3 की कोई टैग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बेसिकली कुछ बिल्ट इन क्लासेज है जो कि हमें टाइपोग्राफी में हेडिंग्स के लिए प्रोवाइड की गई हैं बूटस्ट्रैप के लिए। इसी तरीके से कुछ टैग्स हमारे पास यूज किए जाते हैं या कुछ चीजें यूज की जाती है। अब लेट्स सपोज मैं यहां पे एक और डिव बना लेता हूं या इसको मैं खत्म कर देता हूं आसानी रहेगी। ये मैंने खत्म कर दिया। अब मैं यहां पे एक लिखता हूं स्मॉल और यहां पे मैं देता हूं दिस इज स्मॉल टेक्स्ट और यहां पे आके रीलोड करता हूं। ये देखें उसने नॉर्मल टेक्स्ट और उसमें क्या टेक्स्ट स्मॉल टेक्स्ट में क्या फर्क है वो भी देख लें। अभी मैंने P के साथ लिखा है, इसका थोड़ा सा साइज में फर्क है, आप देख रहे होंगे साइज में फर्क है। अब जब मैं इसको स्मॉल के साथ करूंगा आपको साइज में खुद ही और पता चल जाएगा। अभी देखें वो छोटा थोड़ा सा साइज जो है स्मॉल हो गया है। ये हमें कुछ टैग्स प्रोवाइड करते हैं एचटीएमएल जैसे स्मॉल हो गया इस तरीके के। अब इधर भी वही सिनेरियो कि मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं टैग यूज ना करूँ, मैं सिंपल कोई ना कोई क्लास यूज करूँ बजाय इसके मैं टैग वगैरह यूज करूँ, डायरेक्ट मैं कोई क्लास यूज करूँ और काम कर लूँ। तो उसके लिए क्या सिंपल है, उसी तरीके से मैं जाऊँगा पी में पी और उधर मैं क्लास दे दूंगा एक क्लास स्मॉल के नाम से जो कि बिल्ट इन क्लास है किसकी बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप ने हमें बिल्ट इन इसकी CSS वगैरह सब कुछ डिफाइन करके दे दिया हुआ है। जैसे ही मैंने उसको रिफ्रेश किया अब अच्छा एक सेकेंड पहले मैं पी लिखूँ ना ताकि आप क्लियर हो। ये देखें टेक्स्ट बढ़ा है, मैंने इस पर क्लास लगा दी स्मॉल, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट स्मॉल हो गया। यानी एज अ एक्ट क्या कर रहा है स्मॉल टैग के तौर पे कर रहा है जबकि मैंने स्मॉल टैग यूज नहीं किया, मैंने क्या किया बिल्ट इन टाइपोग्राफी की क्लास यूज किया जो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट एक टैग आता है हमारे पास मार्क।
मार्क बेसिकली करता है कि पूरे टेक्स्ट में से आप कोई चीज को मार्क करना चाह रहे हो वो मार्क हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मार्क मैं इधर लिख देता हूँ, एम ए आर के मार्क, दिस इज मार्क टेस्ट। देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली मार्क्ड हुआ है, हाईलाइट हुआ है, ये बता रहा है कि ये मार्क टेस्ट है। अब मैं फिर वही है कि अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं इधर क्लास यूज के थ्रू करूँ, मैं कोई टैग यूज ना करूँ, मैं सिंपल टैग के साथ कर लूँ, तो सिंपल क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पी। अब पी जब मैं करूँगा तो देखिएगा वो मार्क जो होगा वो खत्म हो जाएगा, सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ, क्लास, और यहाँ पे दे देता हूँ मार्क। इसको जब मैं रीलोड करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। इसका क्या फर्क आया मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि जब हम मैंने मार्कर टैग लिखा था तो सिर्फ उतना टेक्स्ट था जिस पे मेरा जो टेक्स्ट की जितनी स्पेस थी वही मार्क हो रही थी, लेकिन जब पिया तो वो पूरा मार्क हो रहा है। इसकी वजह क्या है मैं वो बताता हूँ। हमने जब पिछले कुछ लेक्चर्स जब हम HTML या CSS के पढ़ रहे थे तो हमने एक देखा था कुछ टैग्स हमारे ऐसे हैं जो कि इनलाइन टैग्स हैं और कुछ टैग ऐसे हैं जो कि हमारे ब्लॉक टैग्स हैं, जिस तरह डिव ब्लॉक फॉर्मेटिंग करता है, स्पैन इनलाइन फॉर्मेटिंग करता है, इसी तरीके से जो H1 या P वगैरह ये है हमारे ब्लॉक फॉर्मेटिंग करता है, इनलाइन फॉर्मेटिंग नहीं करते। तो जब हमने ब्लॉक फॉर्मेटिंग पे क्लास लगाई मार्क की तो उसने पूरे ब्लॉक को मार्क कर दिया, ना कि सिर्फ टेक्स्ट को। जब हम मार्क यूज कर रहे थे तो मार्क हमारा इनलाइन क्लास थी, वो इनलाइन टैग था, तो वो क्या करता था, वो जितना टेक्स्ट जितनी उसकी स्पेस थी वो उसको मार्क कर रहा था। जैसे कि हमने पढ़ा था इनलाइन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उतनी स्पेस लेता है जितनी उसको रिक्वायर होती है, जबकि ब्लॉक फुल स्पेस लेता है। तो अभी हमने क्लास लगाई है ब्लॉक टैग पे, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो पूरे ब्लॉक को टैग सिलेक्टेड कर रहा है। ये फर्क है जो अभी हमने देखा कि मार्क था तो सिंपल सिर्फ टेक्स्ट पे आ रहा था, और जब पी टैग पे हमने क्लास लगाई तो वो पूरे ब्लॉक को क्यों हाईलाइट कर रहा है, ये इस वजह से कर रहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने कुछ टैग्स पे जो कि टेक्स्ट अलाइनमेंट के टैग्स है। टेक्स्ट अलाइनमेंट के टैग्स जिस तरह हमने पढ़े थे कि किस तरह टेक्स्ट को अलाइन किया जाता है स्टार्ट में, फिर उसको सेंटर्ड किया जा सकता है, टेक्स्ट को ब्रेक किस तरह कर सकता है, टेक्स्ट ब्रेक क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे फर्दर देखेंगे, किस तरह टेक्स्ट डेकोरेशन किस तरह दी जा सकती है, टेक्स्ट को एंड पे अगर अलाइन करना है उसके लिए क्या है, टेक्स्ट को लोअर केस करना, लोअर केस यानी स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखना चाहते हैं, अपर केस में लिखना चाहते हैं, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो बाकी सारा जो है स्मॉल हो, उसको देखेंगे किस तरीके से है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं, उसको देखते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की क्लासेस के। तो मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूं और अपना कोड यहां पे लिखता हूं, पी, पी का टैग यहां पे मैं देता हूं टेक्स्ट अलाइनमेंट इन स्टार्ट। मैं पहले ना कुछ चीजें लिख लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको ना सारी चीजें बताता जाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और यहां पे मैं इसको दे देता हूं कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह ताकि हमारे चीजें क्लियर हो जाए। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूं ज्योरी दे देता हूं, और पैडिंग 50px, मार्जिन भी 50px। टेक्स्ट अलाइन इन अलाइनमेंट इन स्टार्ट, फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एंड कर देते हैं हम, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं कुछ, सेंटर के बाद आ जाता है टेक्स्ट लोअर केस, टेक्स्ट इन लोअर केस, टेक्स्ट इन अपर केस,
टेक्स्ट कैपिटलाइज। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन दे देते ए टैग देता हूँ मैं ए, यहाँ पे मैं देता हूँ सम लिंक। अभी ना मैं किसी पे कोई क्लास नहीं लगा रहा, बस आपको चीज़ समझाने के लिए है। अब देख रहे हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड वगैरह सारे एक जैसे हैं। अब एक एक करके इन पे क्लासेस लगाते जाएंगे और हम देखते जाएंगे क्या क्या फ़र्क आता है। तो सबसे पहले टेक्स्ट अलाइनमेंट स्टार्ट पे चलते हैं। क्लास टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट स्टार्ट बेसिकली क्या करता है, आपके टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे अलाइन कर देता है, जो कि पहले ही बाय डिफॉल्ट अलाइन होता है। आप देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आगे चलते हैं, हम कौन सा एंड है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्लास टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट, और क्लास मेरी है एंड। रिफ्रेश, आप देख रहे हैं स्टार्ट जो था वो यहाँ पे आ गया और टेक्स्ट जिस पे एंड लग रहा था वो मेरा एंड पे चला गया। अब इसी तरीके से अगली मेरी सेंटर है, तो मैं उस पे क्लास लगा दूंगा टेक्स्ट डैश सेंटर, टेक्स्ट डैश सेंटर। रिफ्रेश, देखिए जैसे रिफ्रेश किया वो सेंटर में आ गया। अच्छा एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टैग बनाया, मैंने उसका एच रेफ डाला ही नहीं। एच रेफ मैं कुछ भी उसका कर देता हूँ, एंकर टैग ना। अब जैसे मैंने एंकर टैग डाला, देखने लिंक आ गया। ये मैं बताता हूँ मैंने क्यों एंकर टैग डाला, किस लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए। मैं अभी जब उस पर आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। आगे चलते हैं, क्लास टैग सेंटर थी, अब ये आ गया लोअर केस। तो मैं इस पर कॉपी किया मैंने अपनी क्लास और यहाँ पर मैंने दे दी अपनी टेक्स्ट लोअर केस। लोअर केस बेसिकली क्या करता है, जितना भी आपका टेक्स्ट है, जैसे इधर टेक्स्ट आया ना मेरा टेक्स्ट इन लोअर केसेस में, टेक्स्ट का टी, इन का आई, लोअर का एल और केस का सी बड़ा है, तो ये क्या करेगा, इंसानों को लोअर केस में ले जाएगा। जैसे टेक्स्ट इन लोअर केस सारा स्मॉल केस हो गया। अब इसी तरीके से टेक्स्ट इन अपर केस में क्या होगा कि जो कुछ भी होगा उसको कैपिटल लेटर्स में ले जाएगा सब कुछ, अपर केस। अब जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें टेक्स्ट इन अपर केस में, यहाँ पे जबकि मैंने सारा टेक्स्ट जो है क्या किया हुआ है, कुछ सिर्फ जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं वो कैपिटल है, बाकी सारे लोअर केस में है। तो लेकिन जब मैंने उसको टेक्स्ट इन अपर केस को जब मैंने क्लास की टेक्स्ट अपर केस, तो उसने सारा कुछ अपर केस में कर दिया। अच्छा इसके बाद आता है टेक्स्ट कैपिटलाइज। टेक्स्ट कैपिटलाइज क्या होता है कि जो पहला स्टार्टिंग करेक्टर है ना उसको ही कैपिटल करेगा। जैसे ये टेक्स्ट अलाइनमेंट इन सेंटर हो गया, टेक्स्ट अलाइनमेंट इन स्टार्ट या टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एंड हो गया, इसके जितने भी वर्ड उनके पहले करेक्टर्स को उसने कैपिटलाइज किया हुआ है, इसीलिए मैंने टेक्स्ट कैपिटलाइज के सारे करेक्टर्स को लोअर केस लिखा है ताकि ये चीज़ क्लियर हो सके। तो उस अब मैं यहाँ पर आता हूँ क्लास टेक्स्ट कैपिटलाइज इस, और जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखना है आपने उसे टेक्स्ट का टी और कैपिटलाइज का टी जो सी है उसने बड़ा कर दिया, ये टेक्स्ट कैपिटलाइज का काम करता है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है हमारा, आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने जब सारे पी लिखे हैं तो मैंने यहाँ पे सम लिंक को ए टैग क्यों दिया। उसकी वजह यह है कि जो इस पर हमने क्लास लगा रही है वो टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, जिसका मकसद ये होता है कि उस पर कोई भी डेकोरेशन की क्लास ना लगी है। अब जैसे कि यहाँ पे था जब मैंने लिंक लगाया तो उसको डेकोरेशन मिल रही है अंडरलाइन, तो जब मैं उस पर ये क्लास लगाऊंगा क्लास टेक्स्ट डेकोरेशन डेकोरेशन नन, तो क्या होगा, वो सिंपली उसका जो लिंक है उसको ख़त्म कर देगा। देख रहे हैं उसका लिंक ख़त्म हो गया। ये बेसिकली पर्पज़ है हमारा, ये इन कुछ क्लासेस का जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। इन क्लासेस को यूज़ करते हुए अब ये कुछ मेन वो क्लासेस है जो यूज़ हो रही है, सारी क्लासेस नहीं है। इसको साथ साथ जब आप पढ़ना इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, आप कुछ जब चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, आपको इससे और मिलती जुलती क्लासेस नज़र आएंगी, जिसका आपको पता चलता जाएगा। अब जैसे कि एक क्लास आई थिंक वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन।
देख रहे हैं मैंने क्या किया, पहले टेक्स्ट डेकोरेशन नन दी थी जो जिस पे अंडरलाइन थी वो खत्म हो गई, लेकिन अब कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिस पे मैं कुछ चीजें ऐसी जिस पे मैं उसको अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, तो बजाय उसको मैं सीएसएस में जाके लिखूं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन पूरी प्रॉपर्टी दूं, मैंने सिंपल जो बिल्ट इन क्लासेस टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन वो इम्प्लीमेंट किया और वो चीज चल गई। अगर आप इस तरह की क्लासेस को देखना चाह रहे हैं क्या है किधर से हमें पता चलेंगी, तो सिंपल जहां से हमने सीडीएन पकड़ा था बूटस्ट्रैप के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे आपको इस तरह की बहुत सारी क्लासेस हैं जो आपको मिलेंगी और जिनको आप इंप्लीमेंट करके इन चीजों का अपना जल्द से जल्द कोड कर सकते हैं। आपको कोड करना कम पड़ेगा और बस आपने वो क्लासेस यूज करनी है और आपको बिल्ट इन चीजें मिलती जाएंगी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे कवर करते हैं कि हमने आज क्या क्या किया। कि आज हमने टाइपोग्राफी के बारे में देखा है, बूटस्ट्रैप हमें टाइपोग्राफी किस किस तरह की देता है, जिसमें डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज आ गई, डिस्प्ले क्लासेस आ गई। डिस्प्ले क्लासेस क्या थी, सिमिलर थी किसके, आपके H1, H2, H3, H4, H5 और H6 के, जिस तरह डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3 और डिस्प्ले अप टू डिस्प्ले 6 तक था। उसके बाद हमने देखा कुछ डिफरेंट क्लासेस थी, जैसे स्मॉल क्लास थी जो कि स्मॉल टेक्स्ट के लिए यूज की जाती है, मार्क क्लास थी जो मार्कर क्लास, कोई टेक्स्ट आपने मार्क किया हुआ उसके लिए यूज की जाती है। फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट की क्लासेस आ गई, जिस तरह टेक्स्ट अलाइनमेंट स्टार्ट थी वो क्या करता था, आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट कर देता था। टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड थी, राइट अलाइनमेंट के लिए चला जाता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर था, आपका जितना भी कॉन्टेंट है उसको सेंट्रली अलाइन कर देता है, आपका स्क्रीन के सेंटर में ले आता है। फिर टेक्स्ट लोअर केस था, लोअर केस क्या करते हैं, जितना भी आपका कंटेंट है चाहे जैसे मर्जी आपने लिखा हुआ है वो सारे के सारे टेक्स्ट को लोअर केस में फॉर्म कर देता है। फिर टेक्स्ट अपर केस था, टेक्स्ट अपर केस क्या करता था, जिस तरह भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है चाहे कैपिटल है या स्मॉल है, जिस तरह भी है उसको मतलब नहीं, उसने जो भी टेक्स्ट उसे मिलेगा उसे उसने कैपिटल फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद आता है टेक्स्ट कैपिटलाइज, टेक्स्ट कैपिटलाइज क्या करता था, जितने भी आपके वर्ड्स हैं उसके फर्स्ट फर्स्ट करेक्टर्स को उठाता था और उनको कैपिटल अपर केस में लिख देता था। फिर हमने दो क्लासेस और देखी, जिस तरह टेक्स्ट डेकोरेशन नन था वो क्या करता था, अगर कोई उस पर डेकोरेशन लगी है उसको रिमूव कर देगा और डेकोरेशन नन कर देगा। फिर हमने एक क्लास देखी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, कि अगर उस पर कोई डेकोरेशन नहीं लगी हुई, कोई चीज़ नहीं लगा, हम चाह रहे हैं कि वो अंडरलाइन हो, तो हम बिल्ट इन क्लास बूटस्ट्रैप की यूज़ करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देगा। ये कुछ क्लासेस थी बूटस्ट्रैप की, बिल्ट इन टाइपोग्राफी की क्लासेस थी जो मेजरली यूज़ होती हैं, जिनको हम अपने प्रोजेक्ट्स में ऑन एंड ऑफ यूज करते रहते हैं, तो उसकी हमने प्रैक्टिस की प्रॉपरली। और इस पे भी अगर कोई किसी को कंफ्यूजन आती है या कोई चीज समझ नहीं आती तो वो इजी फील करे पूछने के लिए, वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकता है, कमेंट ड्रॉप कर सकता है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको कमेंट्स में हो सका तो कमेंट्स में जवाब देंगे, या फिर उसके लिए हमें लगा कि हमें एक सेपरेट वीडियो बनाए तो हम उसको वीडियो में भी उस चीजों को क्लियर करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर सके। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे टेबल्स के बारे में। और हाँ, जिस तरह काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमने जो है ना टेबल कुछ टैग्स ऐसे हैं जो कि हमने मिस कर दिए HTML, वो हमने मिस नहीं किए। अब जब नेक्स्ट हम टेबल के बारे में पढ़ने लगे हैं तो हम वहाँ से HTML का कंटेंट उठाएंगे, HTML के टैग्स उठाएंगे, टेबल टैग्स उठाएंगे, उनको देखेंगे, फिर फर्दर उन आगे नैव बार पे जाएंगे, नैव के टैग्स को देखेंगे, इस तरीके से उन टैग्स को साथ साथ अब अपनी कवर करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो अभी तक के लिए यहाँ पर हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो अपना जो है क्यूरी अपनी लिख सकता है, हमें बता सकता है ताकि हम उसको सॉल्व करें। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नई चीज़ों के साथ आएंगे, उन चीज़ों को सीखेंगे। तो अभी सिर्फ यही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की जाए, ताकि आपकी जो चीज़ मिस हो रही है कहीं से भी वो कवर हो और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स में इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ तक कि बस कवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।